बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस की टाइप्स देखी थी, जिसके अंदर हमने कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। और आज के लेक्चर में हम बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, किसने बनाया, अब तक इसके कौन कौन से वर्जन आ चुके हैं, और आखिर में हम प्रैक्टिकली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना भी सीखेंगे। तो आइए फिर वक्त को जाया किए बिना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन स्टार्ट यानी पहले, सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, विच इज अ डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपका कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें हर एक कमांड हमें टाइप करनी होती थी, तब जाकर आप कंप्यूटर से अपना मतलूबा काम करवा सकते थे। लेकिन क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, इसीलिए 1985 में लॉन्च किया गया, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया दुनिया का पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज 1.0 के नाम से, जिसमें हर एक चीज आपको टाइप करने की जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से यूजर के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा आसानी हो गई थी। फिर 1987 में विंडोज 2.0 लॉन्च की गई, जिसने मजीद नए फीचर्स ऐड किए गए, जैसे कि आइकन्स पर हम क्लिक कर सकते थे और दूसरी शॉर्टकट कीज इस्तेमाल की गई। और इसके बाद 1990 में विंडोज ने एक और वर्जन लॉन्च किया विंडोज 3.0 के नाम से, जो कि पहले से ज्यादा यूजर फ्रेंडली था। और उसके बाद 1995 में विंडोज 95 लॉन्च की गई, जिस जो कि अपने स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार और मल्टीटास्किंग के फीचर की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हुई। और उसके बाद 1995 के बाद विंडोज 95 का एक अपग्रेडेड वर्जन 1998 में लॉन्च किया गया विंडोज 98 के नाम से, इसमें नए सॉफ्टवेयर्स, एड्रेस बार, सीडी, डीवीडी प्लेयर के फीचर्स मौजूद थे। फिर आ गई 20वीं सदी, इसके साथ ही विंडोज बहुत ज्यादा बदल चुकी थी, और 14 सितंबर 2000 में विंडोज ने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया विंडोज एमई या फिर विंडोज मी के नाम से, जो कि विंडोज 95 और विंडोज 98 का ही अपग्रेडेड वर्जन था। और उसके बाद इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आम हो गया था, इसीलिए जरूरत पड़ी इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसमें नेटवर्किंग का फीचर भी मौजूद हो। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया विंडोज एनटी के नाम से, जो कि खास कर नेटवर्किंग के लिए पॉपुलर हुआ। और ठीक इसके एक साल बाद लॉन्च की गई विंडोज एक्सपी, जो कि अपने कलरफुल मेन्यूज, टास्क बार और यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट की वजह से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई। और इसके बाद आई विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10, जो कि अब तक हम यूज कर रहे हैं, और विंडोज 10 अब तक की विंडोज का सबसे ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। तो दोस्तों, ये थी आपकी विंडोज की कुछ हिस्ट्री, यानी विंडोज स्टार्ट कैसे हुआ, तो ये था उसका कुछ ओवरव्यू। अब दोस्तों याद रखें विंडोज को, अब आइए मैं आपको इसके फीचर्स भी डिटेल में बताती हूँ। तो दोस्तों याद रखें, विंडोज को एक मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, क्योंकि आप भी देख चुके हैं कि इसमें CLI का फीचर भी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फीचर भी मौजूद है, और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी अब तक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे तो बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड के, एप्पल वगैरह के, लेकिन विंडोज अब तक का सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यकीनन आपके लैपटॉप्स के अंदर भी यही ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होगा। तो दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसमें सबसे पहला फीचर है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टीटास्किंग और टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें एक यूजर एक वक्त में बहुत सारे टास्क यानी बहुत सारे कामों को एक साथ करने की सलाहियत रखता हो। इस तरह का फीचर अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होगा तो वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसमें एक वक्त में आप म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं, कुछ सर्च भी कर रहे होते हैं, साथ के साथ कुछ डाउनलोड भी कर रहे होते हैं, विच मीन्स के एक वक्त में बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं, तो ये मल्टीटास्किंग का फीचर कहलाएगा। और डियर फ्रेंड्स, ये होता कैसे? दोस्तों एक बात याद रखिए कि सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी में एक वक्त में सिर्फ एक प्रोग्राम को लोड किया जाता है, देन सीपीयू उसमें से यानी मेमोरी में से उस प्रोग्राम को निकालेगा, उठाएगा और एग्जीक्यूट कर लेगा। जबकि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में
आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से यानी मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम्स को लोड कर देगा, जिसकी वजह से सीपीयू उनको पैरेलली यानी साथ के साथ एग्जीक्यूट कर देगा। और सीपीयू इतनी तेजी से टास्क को एग्जीक्यूट करता है कि आपको पता ही नहीं चलता, आपको फील ही नहीं होता कि वो कब एक टास्क से दूसरे टास्क और दूसरे से तीसरे टास्क के ऊपर जंप कर रहा है। यानी और ये किस तरह होता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कब आपका सिस्टम जो है यानी सीपीयू म्यूजिक को मिल रहा है, कब डाउनलोड्स को मिल रहा है। ये आपको मिलता है इस मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत। इसके बाद जो इसका दूसरा फीचर है जो कि आपकी मल्टीटास्किंग से रिलेटेड है, वो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों मल्टी यूजर मीन्स बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स एक सिंगल सीपीयू या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिंगल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं इस मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी छोटी छोटी ब्रांचेस हर सिटी में मौजूद होती हैं, जहां पर तमाम डेटा एक सिंगल सिस्टम में रख दिया जाता है और अलग अलग ब्रांचेस में मौजूद यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये होता किसकी बदौलत है? ये होता है आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूजर फैसिलिटी, मल्टी यूजर का फीचर मौजूद है, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो तमाम यूजर्स एक नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होते हैं और यूजर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेस को यूजर्स से शेयर करता है। दोस्तों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए किसी एक यूजर का दूसरे यूजर से टकराव ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए टाइम शेयरिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी तमाम यूजर्स को थोड़े थोड़े टाइम के लिए, थोड़े थोड़े वक्त के लिए कंप्यूटर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ए है उसको 2 सेकंड के लिए सीपीयू दे दिया, कंप्यूटर बी को 2 सेकंड के लिए। तो जैसे ही कंप्यूटर ए के 2 सेकंड कंप्लीट होंगे, तभी कंप्यूटर बी इस आपके सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तमाम काम कौन करता है, इन तमाम चीजों को कौन संभालता है? आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपके कंप्यूटर में, आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फीचर मौजूद है, तभी आप किसी भी सिंगल सिस्टम को बहुत सारे यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि बहुत से यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। तो सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए यहाँ पर अकाउंट सेपरेशन के जरिए सिक्योरिटी को मैनेज किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है, विच इज मल्टी प्रोसेसिंग। दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स, बहुत सारे प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स यानी बहुत सारे सीपीयूज यूज हो रहे होते हैं। यानी अगर एक कंप्यूटर है जो कि डुअल कोर है, मींस उसमें 2 माइक्रो प्रोसेसर्स मौजूद है, तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता होगा, तभी उन 2 प्रोसेसर्स को का आपको फायदा होगा। यानी जब तक आपका सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग का फीचर आपके सिस्टम में मौजूद नहीं होगा, लेकिन आप अपने उस सिस्टम में 4 माइक्रो प्रोसेसर लगा दें, 10 माइक्रो प्रोसेसर लगा दें, यानी हार्डवेयर की तादाद आप कितनी भी बढ़ा लें, जब तक आपका सॉफ्टवेयर इस काबिल नहीं होगा कि उस हार्डवेयर को चला सके, तब तक आपके उस हार्डवेयर का भी फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि उन 2 प्रोसेसर का आपको तभी फायदा होगा जब तक आपका सिस्टम मल्टी प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता होगा। और इन प्रोसेसर्स को काम में लाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा, वो भी मल्टी प्रोसेसिंग ही होना चाहिए। और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में सब डिवाइड कर देगा और अलग अलग मल्टीपल प्रोसेसर्स को दे देगा। और इस तरह मल्टीपल प्रोसेसर्स पैरेलली यानी एक साथ उस टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे। अब दोस्तों इसका फायदा क्या है? तो अगर एक टास्क 1 मिनट में होना था और आपके पास 2 प्रोसेसर्स मौजूद हैं, तो अब मल्टी प्रोसेसिंग की वजह से वो आधे मिनट में होगा। इसी तरह अगर 2 के बजाय 4 प्रोसेसर्स हैं, तो वही 1 मिनट वाला टास्क 25 सेकंड्स में परफॉर्म होगा, क्योंकि आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उस एक टास्क को
चार प्रोसेसर्स में डिवाइड कर देगा, जिसकी वजह से वो टास्क बहुत तेजी के साथ परफॉर्म होगा। और विंडोज 2000, विंडोज XP, देन विंडोज 7, 8 और अब विंडोज 10 में भी मल्टी प्रोसेसिंग का ये फीचर मौजूद है। तो दोस्तों ये था मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है प्लग एंड प्ले। दोस्तों पहले अगर आपको याद हो तो जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते थे तो विंडोज के बाद हमें अलग से ड्राइवर की सीडी लानी होती थी और उन ड्राइवर्स को भी हमें इंस्टॉल करना होता था। इसके अलावा भी अगर हम कोई नया हार्डवेयर अपने कंप्यूटर में लगा रहे हैं तो उसके लिए भी अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना होता था। लेकिन विंडोज 95 से लेकर अब तक जितनी भी विंडोज लॉन्च हुई है उनमें एक फीचर को ऐड किया गया है, विच इज प्लग एंड प्ले। और ये होता क्या है? द प्लग एंड प्ले रेफर्स टू अ सेट ऑफ एप्लीकेशंस दैट अलाउ अ कंप्यूटर टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड कॉन्फ़िगर अ डिवाइस एंड इंस्टॉल द एप्रोप्रिएट ड्राइवर। यानी इसमें विंडोज के साथ ही बिल्ट इन ड्राइवर्स भी मौजूद हैं, और जब आप विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो साथ के साथ खुद से ड्राइवर्स भी इंस्टॉल हो जाते हैं, और ये कहलाता है प्लग एंड प्ले। और इसके अलावा अगर आपने कोई न्यू डिवाइस, कोई न्यू हार्डवेयर लगाया है तो जिसका ड्राइवर विंडोज में नहीं था तो उसका ड्राइवर भी इंटरनेट से आपको डाउनलोड करके ये खुद से इंस्टॉल कर देता है। इसके बाद जो लास्ट फीचर है वो है नेटवर्किंग। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी नेटवर्किंग के फीचर की वजह से विंडोज NT लॉन्च की गई थी, और विंडोज NT के आने के बाद जितनी भी विंडोज लॉन्च हुई है उन सब में नेटवर्किंग का फीचर बिल्ट इन है। मींस नेटवर्क्स को बनाना, मेंटेन करना, कोई प्रॉब्लम आ गई है नेटवर्क में तो उसको दूर करना, ये सब इस फीचर की बदौलत बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स और हिस्ट्री। अगले लेक्चर में हम आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना सिखाएंगे, इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, उनकी डिटेल्स देखेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पूरा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल बेस्ड होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।